ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में श्रीराम की एआई जनरेटेड तस्वीरों की कायल हुई है दुनिया। और योगी सरकार की मंशा के अनुरूप प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र और त्रेतायुगीन अयोध्या की भव्यता को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। संस्कृति विभाग ने रामायण दर्शन नाम की इस प्रदर्शनी में इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरों का एआई के जरिए निर्माण किया है। गुरुकुल शिक्षा, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, लंका दहन और रावण वध जैसे प्रभु श्री राम के विभिन्न प्रसंगों को रामायण दर्शन में प्रदर्शित किया गया है। लोग यहां पे आके सेल्फी भी ले रहे हैं और संपूर्ण रामायण का साक्षात दीदार भी कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शनी का लोग इसमें यहां पहुंच रहे हैं, इसे देख रहे हैं। तो ट्रेड शो में राम के धाम की धूम मची हुई है। और वर्षा हमारी संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। वर्षा, कैसे एआई के जरिए इन तस्वीरों को इस तरीके से बनाया गया कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और राम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें एआई रामायण प्रस्तुति की गई है। इस दौरान एआई के माध्यम से पूरे रामायण को दिखाया गया है कि रामायण में किस तरह से चरित्र रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के जीवन में क्या क्या चीजें रही हैं, उनके भाई किस तरह रहे हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने वनवास किया, कैसे सीता हरण किया, लंका में दहन किस तरह हुआ, ये सारी चीजें एआई के जरिए वहां पर प्रदर्शित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हुआ है यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसमें दूसरे संस्करण में श्री राम की एआई जनरेटेड तस्वीरों की कायल हुई है दुनिया की। देखिए जिस तरह से एआई के जरिए पूरी एक्सपो मार्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है कि राम भगवान के जीवन चरित्र में क्या क्या चीजें रही हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किए हैं, किस तरह से उनके जीवन में वनवास रहा है, सीता हरण रहा है, तो उन सब चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा जानकारी के लिए। तो श्री राम की एआई जनरेटेड तस्वीर की दुनिया कायल हो रही है, यहां जो भी आ रहा है उसके लिए आकर्षण का केंद्र है। संस्कृति विभाग ने रामायण दर्शन नाम की यह प्रदर्शनी लगाई है और इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।